जैसे इलेक्शन कमिश्नर ने जानकारी दी कि कैसे बुजुर्ग लोगों के लिए रैंप बनाया गया है, जो विकलांग है उनके लिए रैंप बनाया गया है, 100 साल से ऊपर के 2 से 2.5 लाख वोटर है उनके लिए क्या इंतजाम किया गया है। तो मैं अब जल्दी से रुक कर लेती हूँ एक बार फिर से रविंद्र आपका, और तैयारियां देखिए पूरी है। रविंद्र मैं आऊंगी आपके पास एक बार जल्दी, विशाल रघुवंशी का मुझे रुक करना है क्योंकि जनता मुझे उनके साथ दिखाई दे रही है। विशाल जरा जनता से बात करवाइए और बताइए किस तरह का उत्साह, तारीखों का ऐलान तो हो गया है, चुनावी शंखनाद। देखिए बिल्कुल चुनावी शंखनाद हो चुका है और लखनऊ में जब 20 मई को मतदान होगा, और देखिए हम भी लोगों से अपील करते हैं, चुनाव आयोग ने जरूर अपील की है, हम भी लोगों से अपील करते हैं कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें, इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें। ऐसे में देखिए हम लोगों से सीधे तौर पर शपथ भी ले लेते हैं। आप शपथ लेंगे कि वोटिंग करेंगे 20 तारीख को? हमेशा हमने वोट शपथ लीजिए, शपथ लेते हैं सर, ये भारत के संविधान की शपथ लेते हैं कि हम किसी भी हाल में जो हमारा मतदान का अधिकार है, क्योंकि मतदान के अधिकार से ही देश का भविष्य है, तो मतदान हमको करना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील है कि सभी लोगों को मतदान करना चाहिए। देखिए लोग जो है ये शपथ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर लोग जिस दिन मतदान होता है उस दिन क्या करते हैं, आधे दिन की छुट्टी मान लेते हैं, कहते हैं कि चलिए अब वोट करेंगे नहीं, घूम के कहीं आते हैं, फिर बाद में करेंगे, फिर लाइन में कतार में खड़े होते, कहते हैं नंबर ही नहीं लगा, इस तरह की चीजें हैं। तो लोग जो है जागरूक हों, और 20 तारीख फिर से आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, पहले चरण में 8 सीटें हैं, पश्चिम की सीटें हैं, दूसरे चरण में 8 हैं, तीसरे में 10 हैं, और लखनऊ में अगर हम बात करें, लखनऊ में 20 मई को मतदान होना है, सबसे अंतिम वाराणसी जहां से प्रधानमंत्री क्षेत्र है, तो लोगों से लगातार ठीक है विशाल बात कर ले।